नाजिन हम बैठे हैं उमैर सलीम के इस टाइम ऑफिस में और वो खुद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका डेकोरेशन जानेंगे और सबसे पहले तो आज मुबारकबाद पेश करेंगे हम, क्योंकि आज सिंध का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सिंधी डे, सिंधी कल्चर डे जो है वो पूरे जो है सिंध में मनाया जा रहा है। जगह जगह पे रैली निकली, बड़े खूबसूरत बच्चे रोडों पे नज़र आ रहे हैं अजरक टोपी के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे ऑफिस में आए और हमारे सिंध कल्चर में भी आए हैं, और इनको मैं दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ऑफिस में आए। और दूसरी बात यह है कि आज सिंध की तारीख का सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन ही सकाफत डे है, कल्चर डे है। और मैं बाहसियत उमैर सलीम, सदर कराची डिवीज़न, कौमी अमन कमेटी बराए बैन मज़ाब हमांगी से हमेशा राशि की ग्रोह। तो हम इस प्लेटफॉर्म के आज कभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने सिंधी भाइयों के साथ हैं, इनके साथ निशाना बिछाना खड़े हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम भाई इस टाइम सिंधी भाइयों के साथ हैं, इनके गम में, इनकी खुशी में, इनके कल्चर के साथ खड़े रहेंगे। और यही हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है कौमी अमन कमेटी का, वो यही दर्ज देता है कि हमने तमाम मसलकी, मजहबी, कौमियत और तमाम सब खानदानों को एक गुलदस्ता बनाकर पेश करना है, उनके साथ खाना खाना खड़ा रहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाह पुटन ऐ पेरु पचन मौला करे बरी है लबसन। टोपी अदरक आपने काफी सुना है, ये काफी सालों से चलता हुआ है, और आप देख सकते हैं कि आज जो लोग सड़कों पे निकला है और जो लोग अपने घर पे सो रहे हैं, तो वो समझ लें आज के दिन को जिन लोग मिस करते हैं, क्योंकि आज शहर कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज है सिंधी कल्चर डे। हमारी तरफ से मुबारकबाद हमारे चैनल की जानिब से। तो भाई क्या कहेंगे आप सारे मिलकर? मुबारक हो भाई, हैप्पी सिंधी कल्चर डे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।